तालिबान ये एक शब्द या पोस्ट मात्र नहीं, जिसे आप लाइक करें या डिसलाइक करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा संगठन है जो मानवता का विरोधी है। ये कोई तीन तलाक का कानून नहीं जिसका विरोध करने से आपकी आन बान और शान बढ़ जाएगी। ये ऐसे लोगों का जखीरा है जो धर्म की आड़ में 15 से 45 साल की लड़कियों को उनके घरों से जबरन उठा ले जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बैठा एक नालायक शायर जो कि असल में कायर है, इन तालिबानियों को ना सिर्फ सलाम करता है बल्कि उनकी तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से करता है, महर्षि वाल्मीकि से करता है। तालिबान का समर्थन करने का मतलब आतंकवाद का समर्थन करना है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं, तो आप हमारे देश के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समर्पण को तो जानते ही होंगे। साल 1999 24 दिसंबर के दिन काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IC-814 विमान को इन्हीं तालिबानियों ने हाईजैक कर लिया था। और इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 176 यात्री सवार थे। शायर मुनव्वर राणा जिस तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, उसी तालिबान ने भारत सरकार से कहा था कि भारतीय जेलों में बंद 35 आतंकियों को अगर नहीं छोड़ा तो 176 विमान यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ और उस वक्त के रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह, जो कि खुद कंधार गए थे और भारतीय लोगों को सुकुशल छुड़वा लाए थे, लेकिन जिसके बदले में 3 आतंकवादियों को जो कि तालिबानी थे, मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ दिया गया था। आज से 21 साल पहले जिन 3 तालिबानियों को भारत सरकार ने छोड़ा था, उनमें से पहला मसूद अजहर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में मसूद अजहर का हाथ है। वहीं पुलवामा हमले की बात की जाए तो पुलवामा हमले का कुख्यात मसूद अजहर को बताया जाता है। वहीं अगर बात की जाए दूसरे तालिबानी आतंकी अहमद जरगर की, तो आपको बता दें कश्मीर में लगातार ग्रेनेड हमलों के पीछे ये दूसरा तालिबानी आतंकी अहमद जरगर शामिल है, जो कि पिछले 21 साल से सक्रिय है। मुनव्वर राणा इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास उन्हें उठाकर देखना चाहिए। तालिबान का समर्थन करने वाले हर हिंदुस्तानी को इतिहास के पन्नों में दर्ज कंधार की वो घटना नहीं भूलनी चाहिए। मुनव्वर राणा को बेशक भारत सरकार माफ कर दे, लेकिन भारत के अमर शहीदों की आत्माएं कभी इस कायर को, इस नालायक शायर को माफ नहीं करेंगी। एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई आतंकी संगठन एक देश पर कब्जा करे और भारत को आंखें दिखाए।